Hi everyone, welcome to another video of geometry series, and in this video we are going to look at all the important concepts and formulae of quadrilaterals and polygon. So this is going to be a short video, but after this video you can be confident that all the concepts, necessary concepts and formulae are covered by you. So let's quickly look at that, and after that as I have been doing, I'll be conducting a practice class and I'll also be releasing PYQ video. So जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम quadrilateral and polygons complete करने वाले. तो जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, अराउंड 25 मिनट्स का रहेगा ये, और फिर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का वीडियो आएगा, कल आएगा वो, और कल हमारा 1 बजे प्रैक्टिस क्लास भी है, तो वो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ. पर उससे पहले मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा. तो दोस्तों कल 24 अक्टूबर है, तो वहाँ कल 1 बजे ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस टेस्ट है, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप सॉल्व करोगे और आप अपनी क्वाड्रिलेटरल की प्रिपरेशन को कंप्लीट करोगे. राइट, सो क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन की बात करें तो उसमें 6 आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, 6 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो कौन सा है वो एक एक करके समझ लेते हैं. या सबसे पहले आपके पॉलीगॉन प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि पॉलीगॉन होता क्या है, उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक्सट्रा एंगल एंड सो एंड सो फोर्थ. फिर दूसरा है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी इस क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है. नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसके ऊपर कम क्वेश्चन आए हुए, बट येस करके रखना बेटर है अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो. काइट एंड ट्रेपेजियम, वंस अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन 2-3 years यू विल फाइंड अ क्वेश्चन. एंड रेगुलर हेक्सागन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन वन और अनदर स्लॉट यू विल फाइंड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेगुलर हेक्सागन, तो ये आपको करना है. और एक आखिरी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है. तो ये 6 वैरायटी में से आपके क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन के क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने ये 6 अच्छे से समझ लिए, 6 वैरायटी, 6 टाइप और उसके रिलेटेड पॉइंट्स, मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन 100% कंप्लीट हो गया. तो जल्दी से देखते हैं पहला वैरायटी, पॉलीगॉन प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है. सबसे पहले तो पॉलीगॉन होता क्या है. सो इट्स अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, राइट, मतलब ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे पॉलीगॉन है. अब वो 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन ये होता है जिसमें सारे साइड, सारे एंगल इक्वल होते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन वगैरह आते हैं. फिर आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स, आई एम श्योर आपको पता ही होगा. जैसे अगर हेक्सागन है तो सारे एंगल का समेशन क्या होगा, 6 - 2 × 180 डिग्री, दैट इज 720 डिग्री. ठीक है. अब अगर सपोज सारे एंगल इक्वल है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 6 कर दो तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री. सो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके अंदर हर एक एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके. सम ऑफ एक्स्ट्रा एंगल क्या होगा, अब ये समझ लेते हैं. सो व्हाट इज दी एक्स्ट्रा एंगल. तो दोस्तों जैसे हमने ट्रायंगल में भी देखा था कि कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, ये बाहर की तरफ दूसरे साइड के साथ में जो एंगल बनाता है एक्स्ट्रा एंगल हो गया. तो कोई भी पॉलीगॉन लेते हो उसमें आपको एक्स्ट्रा एंगल एक डिरेक्शन में जो मिलेंगे उसका समेशन जो है, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये, तो इसका समेशन क्या होगा, 360 डिग्री होगा. याद रखना, ये अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तभी सारे एक्स्ट्रा एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं तो अगर वो इरेगुलर पॉलीगॉन है तो एक्स्ट्रा एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, बट समेशन उसका 360 डिग्री रहेगा. जैसे ये एक सवाल ले लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा एंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स के ऊपर है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स PQRST एट द वर्टाइसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर, मतलब ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये एंगल का समेशन आपको फाइंड करना है. याद रखना कि ये सारे एंगल इक्वल होने ज़रूरी नहीं है. तो कैसे करेंगे इस सवाल को समझते हैं अभी. तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर में एक पेंटागन बन रहा है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. तो ये एक पेंटागन बन रहा है, यू कैन सी दिस, करेक्ट. और पेंटागन के अंदर कैन आई से ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है और ये भी एक्सटर्नल एंगल है. तो ये जो मार्क किए वो 5 एंगल का समेशन क्या होगा, 360 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. सो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो ये भी एक एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक एक्सटर्नल है, ये भी एक एक्सटर्नल है, एंड सो फोर्थ. सो ये जो ग्रीन कलर से 5 मार्क किए उसका समेशन भी 360 डिग्री होगा. अब अगर आप देखोगे ये 5 ट्राइंगल्स है, ये 5 ट्राइंगल्स है, तो 5 ट्राइंगल में सारे एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री. 5 × 180 डिग्री, दैट इज 900 डिग्री. उसमें से अगर मैं ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं जो मैंने पहले मार्क किए थे जिसका समेशन 360 + 360 है, अगर ये सारे एंगल बाहर के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मतलब इसमें से अगर मैं 720 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये 360 प्लस 360 720 डिग्री, तो जो बाकी बचा वो क्या बचे, तो ये जो टिप है वो वाले एंगल बच गए, तो हमें उसका समेशन मिल गया 180 डिग्री। तो आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं 180 डिग्री। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हमने लिया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कोई ट्रिकी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट्स को समझना। इस वीडियो के बाद में जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट PYQ का वीडियो आएगा, और साथ में मैं अनअकैडमी ऐप पे प्रैक्टिस क्लास भी कंडक्ट कर रहा हूँ, इसका वो प्रैक्टिस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उससे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी कोर्सेज, एंड व्हेन यू सब्सक्राइब यू कैन यूज माय कोड CAT 10। ओके, अब टाइप 2 वैरायटी को देखते हैं दोस्तों। सो टाइप 2 में हमें स्क्वायर एंड रेक्टेंगल देखना है। स्क्वायर के अंदर हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, जैसे स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। डायगनल इंटरसेक्शन क्या होता है, सो डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एंड डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्लस डायगनल खुद भी इक्वल होते हैं। डायगनल एंड एंगल्स क्या कहेंगे, तो डायगनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये हर एक एंगल 45 डिग्री का बनता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। एरिया आपको पता है ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4a होता है, लेंथ ऑफ डायगनल क्या होता है, तो √2 टाइम साइड होता है ना। कैसे √2 टाइम साइड आया, तो अगर आप ये डायगनल लेते हो, ये वाला, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सो अगर मैं ये पार्ट देखता हूँ तो ये क्या है, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स साइड। व्हाट इज द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर मैं साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा तो क्या फिगर बनेगा, तो वो भी एक स्क्वायर बनेगा, और वो स्क्वायर की साइड क्या होगी, सो इट विल बी 1/√2 टाइम्स द प्रीवियस साइड होगी, याद रखना ये। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इसको समझ लेते हैं कि अगर मैं स्क्वायर में एक सर्कल को इंस्क्राइब करता हूँ तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये सर्कल को इंस्क्राइब किया तो उसका रेडियस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई इसका डायमीटर तो आपका साइड के बराबर ही होगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, a/2, हाफ ऑफ साइड। और अगर मैं बाहर की तरफ सर्कल सर्कमस्क्राइब करूंगा तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उसका डायमीटर ये डायगनल के बराबर होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, डायगनल का हाफ। डायगनल क्या होता है, √2 टाइम साइड, सो √2 a/2, मतलब ये क्या हो गया, a/√2। ये ध्यान रखना, मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा a/2, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा a/√2। ठीक है, ये बाहर वाला सर्कल है, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आप याद नहीं भी रख सकते हो, बट एग्जाम में अगर आप क्विकली ये डिराइव कर देते हो, 10 सेकंड लगेंगे आपको, तो भी चलेगा, दैट्स फाइन। ओके, सिमिलरली रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, डायगनल भी इक्वल होते हैं, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो याद रखना, बट डायगनल परपेंडिकुलर नहीं होते, डायगनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ये 60 डिग्री हो, ये 30, या ये 70, ये 20, ऐसे हो सकता है। एरिया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर आपको पता है। लेंथ ऑफ डायगनल क्या होगा, सो अगर लेंथ आपकी l है, ब्रेथ b है, तो √(L² + B²)। बेसिक चीज़ें है ये। फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स क्या होगा दोस्तों, इसमें अब ये समझने वाली बात है। तो अगर मैं ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, मिड पॉइंट को, सो हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है, डायगनल से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, तो कैन आई से दिस साइड विल बी हाफ ऑफ दिस डायगनल एंड पैरेलल टू दिस डायगनल। सिमिलरली आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ऐसे, फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, देख के आपको पता चल गया होगा ये एक रोम्बस बनेगा, क्योंकि दोनों डायगनल इक्वल है, तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, तो ये फिगर क्या बनेगा, आपका रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ मैक्सिमम सर्कल इंस्क्राइब दोस्तों, इसकी रेडियस क्या होगी, तो ब्रेथ के बराबर होगी, है ना, सॉरी ब्रेथ के हाफ के बराबर होगी, रेडियस पूछा है इसलिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्वायर के बेसिस पे है, इट्स अ कैट PYQ। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब स्क्वायर गिवन दैट साइड ऑफ द स्क्वायर इज अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। सो दोस्तों सेमी सर्कल की रेडियस हमें 10 दे रखी है, ठीक है, तो मतलब मुझे ये पता है, ये पार्ट मुझे पता है, ये 10 है। ओके, अब मैं स्क्वायर की साइड a ले लेता हूँ, या फिर 2a ले लेता हूँ, तो कहने से ये पार्ट a होगा, ये a होगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। तो कहने से दिस इज 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, राइट। तो कहना है ये स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर होगा क्योंकि हमने साइड 2a ले रखी है। तो 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो एरिया स्क्वायर का क्या आएगा, 80 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ सम अदर अप्रोच एंड या यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर क्वेरीज यू हैव। फाइन, अब थर्ड वैरायटी देखते हैं, रोम्बस के लिए हमें क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले रोम्बस वो फिगर है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन में जब आप ट्रांसवर्स ड्रॉ करते हो तो ये इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, इसका समेशन 180 डिग्री होता है। सो रोम्बस एंड पैरेललोग्राम दोनों में आप कह सकते हो कि एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। डायगनल इंटरसेक्शन, सो डायगनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में, बट वो परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली डायगोनल एंड एंगल, तो डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये ऑपोजिट एंगल सेम है तो ये सेम पार्ट में डिवाइड होगा और ये अलग सेम पार्ट में डिवाइड होगा। एरिया क्या होता है, सो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, 1/2 d1 into d2, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी थी। पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंगल, तो एंगल ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल हो जाते ही है, ये इक्वल हो जाते हैं एंड एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाता है। डायगोनल इंटरसेक्शन, डायगोनल वंस अगेन बाइसेक्ट ईच अदर, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। डायगोनल एंड एंगल्स, तो डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, राइट। अब बेस क्या होता है, सो ये बेस हो गया और यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस लाइन के ऊपर, तो ये आपका हाइट हो गया। नॉर्मली आपको बेस एंड हाइट दिया जाता है या फिर आप फिगर को एक्सटेंड करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। फिगर फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और इसके इंटरसेक्शन से जो फिगर बनेगा आप उसके बारे में क्या कह सकते हो, तो ये आपको कमेंट्स में डालना है। सो पोस्ट इन कमेंट्स क्या आएगा, आप इसको सर्च करना, ठीक है। ये एक होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स DC एंड AD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, द एरिया, हाँ, x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स DC एंड AD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, द एरिया ऑफ AB x इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक पहले तो पैरेललोग्राम ले लेते हैं ABCD, ठीक है। एंड यस, इसके दो साइड्स पे DC एंड AD दो साइड लेने हैं आपको। DC पे आपने पॉइंट X ले लिया कहीं पे, ठीक है, एंड AD पे आपने पॉइंट Y ले लिया है। द एरिया ऑफ ABX, अब आपको ABX का एरिया पूछा है कि क्या होगा, तो वो क्या होगा। सो इट्स 1/3 द एरिया ऑफ BYC, 1/3 द एरिया ऑफ BYC क्या होगा, क्या 1/3 होगा, एरिया ऑफ BYC के बराबर होगा, हाफ द एरिया ऑफ BYC होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ BYC होगा, कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर मुझे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे कर लेते हैं कि मुझे पॉइंट एक्स एंड वाई DC एंड AD पे लेना है, तो मैं पॉइंट X D के बहुत ही पास में लेता हूँ और पॉइंट Y भी D के बहुत पास में लेता हूँ, ऑलमोस्ट D पे ही ले लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन को सोचो, देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। एरिया ऑफ ABX मतलब कहने से ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, इज इक्वल टू कहने से एरिया ऑफ BYC भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ही हो जाएगा ना, तो ये उसके बराबर ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक ओपन क्वेश्चन है, तो इसमें आप जैसे अजम्पशन करना चाहो वैसे पॉइंट को ले सकते हो। तो आप डेफिनेटली पॉइंट YNX D पे ही ले लो, तो आप कह सकते हो कि पॉइंट D है वो DC पे भी है और पॉइंट D AD पे भी है, मतलब आपका X आपने DC पे लिया, Y आपने AD पे लिया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है ज्योमेट्री के अंदर कि आप फिगर को, अगर ओपन क्वेश्चन है तो फिगर को अपने हिसाब से ले लो। जैसे अगर एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है और उसमें एक जनरल चीज़ पूछी हुई है जो कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल वो सही होनी चाहिए, तो आप उसमें या तो राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हो एंड यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम, कि ट्रेपेजियम में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो दोस्तों ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल्स जो है वो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये दो जो एंगल होगा उसका समेशन 180 होगा और ये दो एंगल का समेशन 180 होगा पैरेलल साइड्स के बीच के। एरिया क्या होता है इसका, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे अगर ये साइड ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस एच ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है, तो उसको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में याद रखना ये डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, बाय कॉन्ग्रुएंसी यू कैन प्रूव दिस थिंग। राइट, लास्ट फिगर है जो हमें समझना है, उसके बाद में रेगुलर हेक्सागन एंड देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वी आर डन विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल इन अ वे इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन, ठीक है। सो काइट के अंदर आपको याद रखना है कि दो साइड्स जो है वो इक्वल होती है और ये दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। फिर इसमें एंगल्स के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते, बट एरिया जो है उसका क्या होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स होगा। अब ये डायगनल्स आपको ध्यान में रखना है कि दोनों डायगनल परपेंडिकुलर होते हैं एंड दिस लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल, मतलब जो छोटा डायगनल है वो लॉन्गर डायगनल से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, बट ये पार्ट दो इक्वल पार्ट में नहीं होता है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। सो इट्स अ पॉलीगॉन विद 6 इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ईच इंटर एंगल इज 120 डिग्री, आपको पता है ये 120 डिग्री है, एंड एक्स्ट्रा एंगल विल बी 60 डिग्री, ये 60 हो जाएगा। और रेगुलर पॉलीगॉन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ये चीज़ आप समझो, अगर मैं यहाँ पे सारे डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, सारे मतलब ऑपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर ये ए है, ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये सारे ए हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसमें ऐसे 6 एंगल्स है तो इंटू 6 कर दो, तो आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला मिल गया। बड़ा आसान है याद रखना। एंड एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें सर्कल सर्कमस्क्राइब जो होता है उसका रेडियस क्या होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ये अगर ए है आप ऐसे कनेक्ट करते हो तो ये भी ए होता है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, तो इसकी रेडियस साइड के बराबर ही होगी। और अगर मैं सर्कल इंस्क्राइब करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे अंदर की तरफ सर्कल ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर ये हाइट है, तो ये ए है तो ये हाइट क्या होती है, √3/2 टाइम साइड, तो वही आपकी रेडियस हो गई सर्कल इंस्क्राइब की। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। लास्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कम्फरेंस पे आ जाते हैं तो उसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होता है, जैसे ये दो एंगल का समेशन 180 होता है। एरिया आप हिरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करते हो, हिरोन्स फॉर्मूले के लिए चारों साइड आपको उसकी पता होनी चाहिए, तो उससे आप सेमी पैरीमीटर निकालोगे, सेमी पैरीमीटर इज 1/2 ऑफ पैरीमीटर ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, और फिर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोलेमीज थ्योरम, इसके ऊपर 1-2 बार कैट में क्वेश्चन आ चुका है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स सपोज ये ABCD क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो AC × BD इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, AB × CD प्लस BC × AD, तो ये टोलेमी थ्योरम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपने इतना कर लिया, यू कैन बी रेस्ट एश्योर कि आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं PYQ के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और कल मेरे साथ में जुड़ना मत भूलना। जैसा मैंने आपको कहा था कि 1 बजे क्लास रहेगा, प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करना। और that's it. Make sure that you have joined this Telegram group. Keep learning with me and see you in the next video.